Treanna, voi la te dos. जब हम गांव में थे ना हाँ, उस समय बनाए थे दो बार ना दो तीन बार। अरे ये अच्छी भाई जमाने का दिखेगा। आज की वीडियो कर रही हूँ मैं अपने स्वाणी से शुरू, और मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि ये देखो ये घनघोर नींद में है, ये मॉर्निंग की है, अभी सुबह का टाइम है। और ये देखो ये ना बिना इसके नहीं सोता, ये इसके हाथ में ये रहेगा, इसका टॉवल तौलिया है ये, और ये बिना तौलिया के बिल्कुल, इसको इतनी गहरी नींद आ रखी है फिर भी ये इसको नहीं छोड़ेगा। ये पलटेगा, इधर को पलटेगा, उधर पलटेगा, पर इसको नहीं छोड़ेगा, उसी साइड इसको भी पलटेगा। और ये देखो बिल्कुल घनघोर नींद। मम्मी बोलती कि मैं मायके जाती हूँ, सबसे पहले इसको रखती हूँ, कि इस तौलिया को अगर तौलिया नहीं जाएगा ना तो ये बहुत परेशान करता, कि तो ऐसी आदत हो जाती है बच्चों की ना, तो बचपन में ऐसी आदतें हो जाती है। तो यहाँ पे हम अपने स्वाणी को सुला देते हैं। हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप सभी लोग? तो भी कर जाना मस्त मेरे व्यूअर्स का। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब धीरे धीरे लच्छी भी सीख जाएगी, है ना? तो धीरे धीरे लच्छी भी सीखेगी, लच्छी भी एक दिन जरूर करेगी ब्लॉगिंग का काम, है ना लच्छी? करेगी ना? हाँ, छटके का पा रहे हाँ बोल। हाँ, देख ला। तो आज की वीडियो करते हैं हम शुरू सुबह से। तो मॉर्निंग का टाइम है आज, आज की इनकी छुट्टी है और स्टेडियम भी नहीं जाएगा आज वो, तो आज हम आराम से करेंगे नाश्ता ना। तो आज 7:30 हो गया, पहले सबको चाय पिलाते पिलाते और सब्जी काटते काटते 7:30 सभी ऊपर ही होने है, है ना? हाँ, 7:30 सभी ऊपर होने वाला है। और यहाँ पे हम आज बनाएंगे प्याज के पटोड़े। तो हम मतलब सभी को आते होंगे, पर मैं अपनी दीदी से बता, और मेरे घर में ना प्याज के पटोड़े और पकौड़े तो मतलब हफ्ते में 2 दिन बन ही जाते हैं, और सबको, मेरे हस्बैंड को, मेरे प्राणनाथ को, मेरे बच्चे को भी बहुत पसंद है, तो ससुर जी को भी बहुत पसंद है, तो सास जी को भी पसंद है, सास जी को उतना नहीं है ना पसंद। ठीक ठीक है, खुला दीदिया बनाया पटोड़ा, अच्छा बना नहीं ना, वीडियो में देखी थी, अभी खाया तो नहीं, खा रहा था पर तो है ना, बोले थे 10 जब हम गांव में थे ना उस समय बहुत बार खाए ना पकौड़ा था टेस्टी बना दी ना तो प्याज के पकौड़े मैंने घर भी, पटोड़े घर भी बनाए थे, तो मुझे भी अच्छे लगते हैं यार नाश्ते में ना, मुझे तो उसके नहीं लगते, मुझे गोभी ऐसे उसके अच्छे लगते, पटोड़े ना प्याज के कम ही लगता है अच्छे से, पर फिर मैं बनाते रहती हूँ। और जैसे प्याज और टमाटर के भी बनते अच्छे से, प्याज टमाटर बारीक काट के और बेसन डाल के उसमें हल्के अच्छे होते हैं। तो मतलब पटोड़े तो किसी प्रकार के भी बन सकते हैं, पटोड़े मतलब हमारी भाषा में पटोड़े बोलते हैं, वैसे चीला होता है वो तो मॉर्निंग के टाइम भी बहुत अच्छा होता है, तो ससुर जी को बहुत पसंद है। तो मेरी ससुर जी ना खाने की बहुत शौकीन है, तो मैं इसलिए बोलती हर समय कि मेरे ससुर जी को पसंद है, मेरे ससुर जी को पसंद है। तो सास जी को मतलब, सास जी को दूध वाली चीज़ अच्छी लगती है, और सास जी को खाने में मतलब ज़्यादा नहीं खाते, दो दो रोटी तीन रोटी ऐसे खाते हैं, पर ससुर जी को खाने में बहुत वो है कि क्या बनाए, कि आज क्या नया डिश हो। ससुर जी, अगर ससुर जी को ना पता, हमने एक खूबी पकड़ ली ससुर जी की, अगर ससुर जी वीडियो देखेंगे ना मुझे, ससुर जी के पता क्या होता है, जैसे ना खाने में ससुर जी का मूड खराब हो रखा, ऐसे ही ससुर जी का, हम समझ जाते हैं कि आज मूड खराब है, फटक से जाना मैंने पकौड़े बनाना, चटनी बना, देखो तुम ससुर जी के चेहरे पे स्माइल, ऐसे से हुआ रही है हम मतलब सच में होता है, जैसे ससुर जी ने थोड़ा मुंह फुला रखा होता है ये बूढ़े आदमी के, थोड़ा कैची हो जाती चिड़चिड़ी चुड़चिड़ी, और फट से हमने या कुछ बना दिया, पटोड़े बना दिए या कुछ ससुर जी के फेवरेट बना दिए, ससुर जी फट स्माइल आ जाती है चेहरे पे, जैसे हम मार्केट जा रहे, ससुर जी की इच्छा नहीं है कि मार्केट मर जाओ, पैसे खर्च होते हो, सब बोलते हैं, मेरे माँ बाप सभी बोलते हैं ऐसी, तो हम बोलते हैं ससुर जी हम मार्केट जा रहे आपके लिए क्या लाना, ले लेना बोल खोल के फैलाना, तो ससुर जी बोले हाँ जाओ तो हमने कई कमजोरी पकड़ ली है ससुर जी और सास जी की ना, कि सास जी कैसे खुश होती है, ससुर जी कैसे खुश होते हैं, तो हम फट वही चीज़ें कर देते हैं, फिर दोनों के दोनों खुश हो जाते हैं। तो ना अभी सुबह सुबह ना फिर डर भी लगती है यार, कि बार बार क्या तो सुख का मरा धोरे तुम्हारा हाथ दिन रात दिन दिन भर फोन धोरे हाथ है ना, तो उनको हम सिखा रहे
रहे हैं कि इस चीज बनाने में, जैसे वीडियो बनाने में ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे कर लो पैसे कमा रहे, या मतलब मनोरंजन है, जो भी समझ सकते हैं ना। अभी कोई कई टाइम बोलते क्या चो फोन है धोरे आप, होता ही है बूढ़े आदमी जब मतलब हमारे माँ बाप बोलते हैं, सभी बोलते हैं ना, तो अभी हम चोरी चोरी बना रहे, नहीं तो बोले सुबह शाम 24 घंटा चला काम है बस फोन धोरे तुम्हारा तब जो काम करना तुम वीडियो याद पता चल रहा है आप कह रहे होंगे ना कि वहाँ कहाँ देख रही, तो वहाँ मैं इसलिए देख रही हूँ, वहाँ पे ना मेरे सास जी और ससुर जी का कमरा है ना, तो इसलिए देख रही, बरामदा है बीच में दिखाऊंगी बैक कमरे जो ये है ना यहाँ पे, ये बरामदा है उसके उस साइड है मेरे ससुर जी और सास जी का कमरा ना, और यहाँ पे पर्दा लगा रखा हमने, तो इसलिए हम चुपके से बना रहे हैं। तो है। तब वीडियो तो है तो जब वीडियो देखता बोले हम तो मैं नहीं बोल तुमने तब वीडियो देखा तब हम क्लास लिए ये सची लच्छी प्याज काट लच्छी बोली मतलब बोल नहीं वीडियो में लच्छी प्याज काटी तो लच्छी यहाँ पे ना आटा गूने की है ना लच्छी दीदी अच्छी होना ना सब चीज थोड़ा थोड़ा मैं भी सीखी, जब दीदी का साथ मरो तो बहुत कुछ सीख पड़ो मिल दो, अब हम ज्यादा चीज सीख दू मैं दीदी तभी बनो, क्योंकि मैंने देखा ज्यादा अभी बनो ना तो था दीदी जाऊँ कैमरा बंद कर मैं तो सब डाल अच्छी यहाँ पे आटा गूने की आजकल दी दही बढ़िया आलू बनो ये बढ़िया आलू बनो लोगे दिन ऊपर तीन जनों ना साथ माह में था ऐसी बजार कर रहा तगड़े जी मैं मेरा पता नहीं चलता दीदी मेरी ठान जी मैं लोग तो जान के हम बिहार में तगड़े जी मैं था ऐसी मजाक करता दिन ऊपर तीन जो थे जो दिन कट जान दीदी तक थी हम मजा आने ना पता नहीं चलो दिनों सच में आ दीदी ख्याल चले जी मम्मी तो हक दग रही है तारे बुनी ना मेरी क्या कर ले अच्छे इधर अच्छा जी तो तारे तो तगी कर दे के जो अच्छा उनके ना ना मैं छोड़ दे मैं थोड़ा जिठाण और रोब जलो हां और रोब और कौन रहता है तो मुझे ना गाय अब तो मैं गाय जो सीख गई मैं तो मुझे ना जिठाण वाला ना रोब झाड़ना पड़ेगा ये कह रही थी ना दगड़ा जैसा नहीं नहीं यार ऐसा नहीं यार जिठाण वाला रोब करेंगे तो मजा नहीं आएगा है ना तब मुख उसे झाड़ बैठे हमारा खूब मस्ती मजाक चलती रहती थी हमारे बहुत खूब हम जब हम साथ में रहते थे एक एक दो बजे तक सोते नहीं फिर हमारा बेटा भी नहीं सोने देता ना एक दो बजे तक तो वही नहीं सोते यहाँ पे ना लच्छी आटा गूंद जाएगी और मैं पटोड़े की प्रक्रिया शुरू करती हूँ बोला
तो घर में ऐसी होता कोई आधा रहा बंद कर रहा, कोई वहां है मैं कर रहा है ऐसी हो रहा है। तो हम भी यहाँ पे करते हैं शुरू और ये हमारी पटोड़ी। तो लच्छी कैसी बना रही थी पटोड़ी? तो यहाँ पे पटोड़ी और कोदे की रोटी, मंडवे की रोटी का आनंद लेंगे नाश्ते के समय। और ये है चाय और यहाँ पे लहसुन का अचार, नहीं दिख रहा है ना, और साथ में मक्खन भी है। और घी के लिए तो लच्छी ने मना किया, इसलिए बोला कि कोदे की रोटी में, मंडवे की रोटी में मक्खन ही खाएंगे। तो मक्खन, लहसुन का अचार और पटोड़े, तो इसका आनंद लेंगे। पर देखो है ये केविन के सामान से छेड़ रहा है, तो केविन के है ये पूरा सामान यहाँ पे, चुपके से छेड़ रहा है यहाँ पे। तो देखना हम केविन बोलेगा तो ये हमारे पर चिल्लाएगा। केविन इसने निकाल दिया खिलौना। केविन देखो अब इधर से, देखो अब एक खिलौना। ए केविन जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी यानी 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 बोल दे केविन आ जाओ, जल्दी केविन केविन मैं बुजी बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा तू? बुजी बनाऊंगा तू? हैं? और क्या बनाऊं? मैं स्वानी क्या बनाऊंगा? रोटी। और रोटी बनाऊंगा तू? हैं। अच्छा आज बोल से। ए केविन आ, रोटी बनाऊंगा। केविन आ जा, आ जा। अच्छा रोटी बनाऊंगा। केविन जल्दी जल्दी वो अपनी मम्मी को पता वो कर रहा कि केविन का नाम मत बोल, कि केविन की आप मुझे मतलब केविन अपना सामान निकालेगा ना, कि केविन केविन मत बोल और मैं अच्छा रोटी बनाऊंगा कि है। तो केविन यहाँ पे है ये। केविन का नाम मत बोल, अच्छा रोटी बनाऊंगा, ठीक है? लच्छी जोर से बोल दो कि केविन यो कोई जल्दी आ बोल। ये भाई चक्कू से काटूंगा बोल। ज्यादा हाला के लिए बोला चक्कू भी काट पर केविन ओनो ना बोल, बोले कि केविन यो खा देख ले जी। तुम बोलो तो जोर से बोल दे ये केविन यो खा। केविन का नाम मत निकाल, मन जानो सब देखे। यमुला वो ना अभी अभी घर से आ रखा ना, पता क्या बोलता है, यमुला ही बटा चल। केविन को काटूंगा तो कौन बोला कमया लोड जो सब उधर काटणो। यहां पे नाश्ता नुस्ता किया, झाड़ू पोछा किया और यहां पे मस्त होके ना धूप सेक रहे हैं। तो यहां पे बैठे थे हम, अभी हम यहीं पे बैठे थे, मैं लच्छी साजू और ससुर जी और यहीं पे बैठ रखे थे। और तब तक ना उसने ऐसे किया, पता साजी ने कहा ना कि केविन इसने तेरा सामान निकाल दिया, तो वो हम पे मतलब झपटने आ रहा था कि ऐसे मत बोलो कि केविन तेरा सामान निकाल दिया, कि निकालने दो, खेलने दो कि मुझे, कि अभी तक उसने अपनी दादी और मम्मी पर कि मुझे खेलने दो, कितना गुस्सा आया उसको। पता कहाँ जा रहे केविन के स्टेडियम में जा रहे ना, क्योंकि केविन का आज, केविन का ना आज डे नाइट मैच था, तो हम केविन के स्टेडियम में जा रहे हैं केविन के लिए जैकेट देने, क्योंकि वो कपड़ा नहीं लिया, क्योंकि 1 बजे से था उसका मैच शुरू, तो उस समय तो ठीक था मौसम है ना, तो इस समय बहुत ठंडा हो गया है ना। ये पहुंच चुके हम केविन के ग्राउंड में, अभिमन्यु स्टेडियम में। तो यहाँ पे मैच चल रहे हैं और रात के मतलब कितना हो रहा टाइम, 6:30 हो गया है। तो यहाँ पे ना 3 लाइट बंद हो गई, अभी एक ही लाइट है, अभी तक फुल लाइट थी, हम जैसे ऊपर से नीचे आए तो यहाँ पे लाइट बंद हो गई, मैच भी खत्म हो गया ना। तो यहाँ पर इतनी ठंड हो रही ना, हम ऐसे आ रखे ना, तो कि ये लच्छी कह रहे ना मैं टोपी लाना भूल गया, कि मैंने तो रखी, तभी मुझे इतना ठंड हो रहा है। हाँ तो दौड़ तो ही तो ना, केविन लोग जा रखे हैं अंदर, तो घर के लिए मतलब तैयारी हो रहा होगा ना आने के लिए। तो हम तो ऐसे ही आ गए घूमते घामते, हमने कहा चलो यार केविन का मैच भी देख लेंगे। हम जैसे ही नीचे आए यहाँ पे लाइट भी बंद हो गई, सिर्फ ये एक लाइट है खुला, एक लाइट है, और यहाँ पे जो ये 3 लाइट है ना, ये तीनों की तीनों लाइट बंद हो गई है, सिर्फ एक लाइट है यहाँ पर खुला, और उसका मैच आज डे नाइट मैच था उसका।
तो ना आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। पर आज का दिन ना बहुत अच्छा रहा है ना लच्छी, आज का दिन इतना अच्छा रहा कि मेरे सास ससुर जी ने भी बहुत डांस किया। इधर सा लच्छी यहाँ से ग्राउंड आया है, तो यहाँ पे ना मेरे सास ससुर जी ने भी आज बहुत सारी रील्स बनाई हमारे साथ ना, और बहुत सारा डांस किया हमने, और सास ससुर जी के साथ भी डांस किया और बहुत अच्छा रहा। कभी कभी ना पल आ जाते हैं कुछ ज़िंदगी के, इतने हसीन पल आ जाते हैं कि हर पल को इंजॉय करना चाहिए। मतलब हर समय ऐसा नहीं आता है कि जो हम कभी ऊँचा नीचा, कभी दुख सुख, वही वाली बात है। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, और हमने YouTube में भी बहुत अच्छी वीडियो बनाई आज। और YouTube में तो आपने देखा होगा कैसी वीडियो बनाई, पर सबसे अच्छी वीडियो आज रील्स लगी हमें। Instagram पे हमने बहुत सारी रील्स डाली है, तो उस पर भी बहुत अच्छे अच्छे रील्स बनाए, और सबसे अच्छे मुझे ये लगे ना मेरे सासी और ससुर जी ने उसमें रील्स बनाए। और पता क्या हुआ, मेरे ससुर जी ने बोला कि हमारी भी ना जो उस वाले कमर पिड़ा वाला नहीं चल रहा आजकल, एक गान एगड़ो एक गान चल रहा कि हे मेरे कमर पिड़ा, तो मेरे ससुर जी ने कहा ना कि मुझे उसमें डांस करना है। तो हमने कहा अरे हम तो तैयार हैं, और कोई बोले हमारी वीडियो बनाई हम तो तैयार है। तो उसमें हमने बहुत सारे रील्स बनाई, और साजी और ससुर जी ने बहुत सारा डांस किया आज। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।